वेल स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें पेडागॉजिकल एनालिसिस के बारे में बताया था। तो लास्ट पार्ट जो था उसका, वो बहुत सही से शायद आपको समझ नहीं आया होगा क्योंकि उसमें से कट गया था कुछ, तो उसको आगे पढ़ा रही हूँ। जब आपको एग्ज़ाम में ये पेपर, ये क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा कि पेडागॉजिकल एनालिसिस, किसी भी टॉपिक का पेडागॉजिकल एनालिसिस करें तो आप कैसे करोगे, इसके लिए एक मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप एक टेबल बना लीजिए जिसे क्या कहेंगे, अ टेबल ऑफ पेडागॉजिकल एनालिसिस। ठीक है, इसमें इसके जो है अलग अलग, इस टेबल के अलग अलग कॉलम्स को हम डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला जो कॉलम बनाएं वो है कंटेंट एनालिसिस, दूसरा कॉलम बनाएं आप वो है ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल डोमेन्स, फिर उसके बाद टाइम ड्यूरेशन फॉर कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, फिर उसके बाद आप बनाओगे मेथड्स टेक्निक्स डिवाइसेस एंड एड्स यूज्ड। ये एड्स जो यहाँ पर हैं वो है TLM की बात कर रहे हैं हम। TLM का क्या मतलब है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला जो बनाएंगे पॉइंट वो होगा इवैल्यूएशन डिवाइसेस। जो इवैल्यूएशन डिवाइसेस हैं वो किस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे या किस तरह के टेस्ट आप इस्तेमाल करेंगे बच्चे की इवैल्यूएशन को समझने के लिए। तो इसमें अभी जो सबसे पहला जो वो था कॉलम था उसमें हमने लिखा था कंटेंट एनालिसिस। ये बेसिक सा बता देती हूँ मैं आपको, इससे आपको आसानी रहेगी, इससे पूरे कितने ही बड़े टॉपिक को आप कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहला, जैसे मैंने ये सेल चैप्टर था उसको देखा था, तो इसमें मेजर कंसेप्ट क्या था, सेल एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मैंने इस मेजर कंसेप्ट को पहले लिख दिया उस कॉलम में। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव बनाने थे इससे रिलेटेड, तो ऑब्जेक्टिव की बात की, डिफाइन द टर्म सेल, रिकॉल द फंक्शन ऑफ द सेल एज बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो था वो था कि इसको करने में कितनी टाइम ड्यूरेशन लगेगी। तो टाइम ड्यूरेशन मेरे को मतलब मैंने ये सजेस्ट किया कि शायद इसको करने में 2 लेक्चर्स मुझे लग जाएं। उसके बाद आगे मेथड टेक्निक्स डिवाइसेस एंड एड्स यूज्ड, इसमें जो है मैंने कहा कि भाई मैं इसमें लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करूँगी, कुछ वर्बल इलस्ट्रेशंस दे सकती हूँ मैं कुछ, और वीडियो ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, इस तरह से मैं इसको जो है इसके मेथड्स और टेक्निक्स मैंने बता दी। उसके बाद फिर इवैल्यूएशन डिवाइसेस, क्या इवैल्यूएशन डिवाइसेस मैं यूज़ करूँगी इसको पढ़ाने के बाद, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना सकती हूँ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बना सकती हूँ। और यहाँ जब आप टॉपिक में, जब आप एग्ज़ाम में लिखो तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन, मान लीजिए सपोज फंडामेंटल सेल एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पहले से सोच के जाना और वो यहाँ पर साइड भी कर देना, लिख भी देना साथ में। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा है इसी का सेकेंड टॉप, जो मेजर कंसेप्ट मैंने उस यूनिट में जो पार्ट था या लेसन था उसमें था डिस्कवरी ऑफ द सेल। अब डिस्कवरी ऑफ सेल जो है वो मेजर कंसेप्ट था, उसके अंदर फिर माइनर कंसेप्ट 2 थे, कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट हुक और कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर साइंटिस्ट। फिर इसमें जो है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाए, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ये मैंने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की एक वीडियो पहले से बना के डाल रखी है चैनल पर, उसको आप देख लेना। उसके अलावा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो है ना वो बता रहा है कि 3 तरह के इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कौन से, पहला साइकोमोटर डोमेन, पहला जो है वो कॉग्निटिव डोमेन के, दूसरा जो है वो अफेक्टिव डोमेन के, और तीसरे जो है वो साइकोमोटर डोमेन के। जो पहले नंबर की डोमेन है कॉग्निटिव डोमेन, वो जो है हमारी मेंटल फैकल्टी से रिलेट करती है। जो दूसरे नंबर की डोमेन है जिसे हम अफेक्टिव डोमेन करते हैं वो हमारी भावनाओं से रिलेट करती है, और जो तीसरे नंबर की डोमेन है वो है साइकोमोटर डोमेन, जो हमारी बॉडीली एक्टिविटीज़, मतलब हम क्या क्या चीज़ें अपने जो है एक्टिविटी करके, अपने बॉडी को यूज़ करके एक्टिविटी करके कर सकते हैं। तो इनसे रिलेटेड डोमेन के इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। जैसे इस केस में अभी हमने क्या बनाया है, स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट हुक इन डिस्कवरी ऑफ सेल, ये कैस कौन सी डोमेन का है, कॉग्निटिव डोमेन का है। ठीक है, दूसरा है अगर इसी में कर सकते कुछ और कुछ बना सकते थे कि भाई और अदर साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के बारे में बताइए, या रॉबर्ट हुक के कुछ स्पेसिफिक कोई किताब उसने लिखी है, ऐसा कोई इस तरह के भी आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। फिर इसको पढ़ाने में मुझे कितना समय लगेगा, मैंने लिखा 1 लेक्चर 40 मिनट का। उसके बाद फिर इसमें मैं कौन सा मेथड इस्तेमाल करूँगी पढ़ाने के लिए, तो मैंने लिखा लेक्चर मेथड,
PPTs will be presented, a detailed video of the contribution of different scientists would be shown to the students. तो ये इस तरह की जो भी मैंने methods, techniques, devices या aids use किए हैं वो मैं यहाँ पर code down कर दूँगी. उसके बाद फिर इसको करने के लिए मैं कैसे evaluation devices use करूँगी उसमें आएगा, जैसे descriptive type questions हो सकते हैं. For example भी बताया, जैसे मैं ऊपर कह रही थी ना कि ऊपर भी आप multiple choice questions बना सकते हैं या और चीज़ें बना सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस बना सकते हैं. जैसे ये एक आंसर एक एग्जांपल के लिए बनाया हुआ है, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट हुक. चलो नेक्स्ट इसी को आगे देखते हैं कि कैसे क्या हो सकता है. नेक्स्ट जो इसी चैप्टर में नेक्स्ट कंटेंट एनालिसिस देखते हैं. फिर कंटेंट एनालिसिस में जैसे आगे उस चैप्टर में था, मेजर कंसेप्ट था यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स. इसके अंदर फिर माइनर कंसेप्ट से मीनिंग ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मीनिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, मीनिंग ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स. फिर इसके वो बनाए कुछ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जैसे डिफाइन द टर्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, डिफाइन दिस टर्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, डिफाइन द कोड सम डिफरेंसेस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स. यहाँ आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में आप और भी लिख सकते हो, ये मैंने सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिख दिया, एक मैंने लिख दिया, आप और चाहें तो और भी यहाँ पे बना के लिख सकते हैं, ठीक है. उसके बाद फिर नेक्स्ट है टाइम ड्यूरेशन. टाइम ड्यूरेशन कितनी, मान लिया मैंने सोचा कि दो लेक्चर्स मुझे इसको करने में लगेंगे. उसके बाद जो है फिर मैंने ये जो है मेथड्स, टेक्निक्स, डिवाइसेस एंड एड्स यूज्ड में मैंने ये लिखना था, ये गलती से मैंने यहाँ लिख दिया, कोई बात नहीं, आप इसको ध्यान कर लेना कि ये नेक्स्ट कॉलम में आएगा. क्या यूज़ कर सकती हूँ मैं, स्लाइड्स, ट्रांसपेरेंसीज, चार्ट्स, डायग्राम्स एक्सेट्रा, ये जो है हम यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद फिर या फिर कुछ ऑनलाइन वीडियोज़ भी दिखा सकते हैं. ये सारा का सारा यहाँ पर आना चाहिए था, ये जो मटीरियल, ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये यहाँ आना चाहिए था, ठीक है, इसको देख लेना आप. फिर इवेल्युएशन डिवाइसेस की बात आती है. इवेल्युएशन डिवाइसेस क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, जैसे स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चन बना सकती हूँ मैं कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल राइट अबाउट डिफरेंस इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, या यहाँ पे आप कोट कर सकते हो राइट वन डिफरेंस बिटवीन मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है. उसके बाद दूसरा जो है हो सकता है एक और मेजर कंसेप्ट, जब नेक्स्ट दोबारा देखते हैं मेजर कंसेप्ट, एक और मेजर कंसेप्ट हो सकता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल. इसमें फिर सेल के पार्ट्स के बारे में बताया हुआ है, प्लाज्मा, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये इसके सेल के पार्ट्स के बारे में बताया हुआ है. तो यह फर्दर और माइनर कंसेप्ट्स हो गए. इसके लिए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, जैसे रिकॉल द कॉमन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. उसके लिए एक्टिविटी क्या हो सकती हैं, अब इसको सपोज मुझे ये पढ़ाने के लिए 5 लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये जो एक्टिविटीज़ है वो ये मुझे यहाँ लिखनी चाहिए थी, ये गलती से मैंने यहाँ लिख दी थी, कोई बात नहीं, आप इसे ठीक कर लेना. एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी ऑफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ माउंट इन दी लेबोरेटरी. अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल को स्टडी करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी कर सकते हैं. तो ये कौन सी डोमेन का ऑब्जेक्टिव हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हुआ साइकोमोटर डोमेन का, ठीक है. ये तो यहाँ पर हमने ये यहाँ पर भी लिख सकते थे, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव थे यहाँ पे हम लिख सकते थे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में, प्रिपेयरिंग ए माउंट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू प्रिपेयर ए माउंट ऑफ अ सेल, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन की बात आ जाए, इसी को ये जो यहाँ एक्टिविटी में क्या इसको हम ओवरऑल क्या कर सकते थे, ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है ये. इसके बाद यहाँ पे आप एग्जाम्पल साइड कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गिव यू एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, गिव फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स. तो इस तरीके से आप ये जो कॉलम्स बनाकर एक टेबल टाइप बना सकते हैं, और इससे आसानी से आप जो है अपना पेडागोजिकल एनालिसिस किसी भी टॉपिक का कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सेल का आपको करके दिखाया, आई होप आपको समझ आया होगा. अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. थैंक यू.